जाति मुक्त समाज के निर्माण के लिए अभियान चलाने वाले क्रांतिकारी नायक जयानंद भारती की जयंती पर यहां विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। गरुड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सद्भावना समिति, सर्वोदय मंडल, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने जयानंद भारती के योगदान का उल्लेख किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जयानंद भारती ने समाज में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए डोला पालकी आंदोलन संचालित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने योगदान दिया। सेना में सेवा देने के उपरांत जयानंद भारती ने सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया। गढ़वाल क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड में शिल्पकार समाज के परिवारों को डोला पालकी के प्रयोग पर रोक लगी हुई थी। ऐसा करने पर सवर्ण समाज द्वारा शिल्पकारों को प्रताड़ित किया जाता था। जयानंद भारती ने इस बात को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय सहित अन्य क्रांतिकारी साथियों को बताई। साथ ही हाईकोर्ट में भी वाद दायर किया। अदालत से निर्णय उनके पक्ष में रहा। इस प्रकार शिल्पकारों के लिए वर्जित डोला पालकी प्रथा का अंत हुआ। जयानंद भारती ने कई अन्य आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। उनकी जयंती पर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये एक तो जो पूरा प्रदेश स्तर पर तमाम जन संगठनों का, जन आंदोलनों का एक समन्वय है, वो समन्वय हर पूरे पिछले 2 साल से नफरत नहीं रोजगार दो अभियान चला रहा है। उस नफरत नहीं रोजगार दो अभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ स्वर्गीय जयानंद भारती की जयंती मनाई। और जयानंद भारती जो मूलतः पौड़ी के रहने वाले थे, बीरोखाल ब्लॉक में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र पूरा गढ़वाल और कुमाऊं रहा और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और समाज में जो व्याप्त, हमारे उत्तराखंड के समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जिसमें हमारे शिल्पकार समाज को अपने बारातों में और तमाम जगहों पर डोला और पालकी में चढ़ने की अनुमति नहीं होती थी और उनको सवर्ण वस्तुओं के पास से वो डोला पालकी से उतरना पड़ता था, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया और तमाम पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर में उस आंदोलन को उन्होंने सफल बनाया और शिल्पकारों को डोला और पालकी में सवार होने का अधिकार दिया। तो उस तरीके से उनकी एक पूरी जो लड़ाई थी, पूरा जो संघर्ष था, वो महात्मा गांधी से प्रेरित संघर्ष था और उनका राष्ट्रीय आंदोलन से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। इसीलिए वो सन 1942 में जब ये भारत छोड़ो की कॉल हुई तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और 2 साल तक जेल में रहे। 1951 में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो एक तरीके से फॉरगटन हीरो रहे हमारे यहाँ के, कि वो जिनके बारे में बहुत कम बात हुई, नई पीढ़ी को पता ही नहीं चला, कुछ सीमित किताबों में और शोध ग्रंथों तक उनका नाम रहा। लेकिन हम लोगों ने सद्भावना, उत्तराखंड सद्भावना समिति ने जो हम लोगों ने यात्रा की थी 50 दिन की पूरे उत्तराखंड की, उस दौरान हम लोगों ने ये तय किया था कि हम पहाड़ के तमाम जो हीरो रहे हैं, जो पहाड़ के जननायक रहे हैं, उन जननायकों को ढूंढ करके उनका परिचय नई पीढ़ी से कराएंगे और उसी परंपरा के तहत और उसी कार्यक्रम के तहत आज पूरे प्रदेश में तकरीबन 22-25 जगह इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और भी जगहों पर, देहरादून, रामनगर, धूमाकोट, बागेश्वर, कई जगह इस पूरे कार्यक्रम का आ जाए। इस कार्यक्रम में जयानंद भारती जी की जयंती मनाई गई है यहाँ कोट ब्राह्मरी में जो अम्बेडकर सभागार है, इसमें तो अलग अलग जगह से लोग आए हैं, इसमें संगठन के लोग भी हैं और जन संगठनों के लोग भी हैं। तो छुआछूत के खिलाफ, डोला पालकी के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था जयानंद भारती जी ने, और वो पौड़ी के थे, उन्होंने पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन उस वक्त खड़ा किया था। उन्हीं को याद करते हुए, उनके आदर्शों को याद करते हुए, उनके जीवन मूल्यों को याद करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी सभा करने की कोशिश की। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।